चीन में कोरोना वायरस के मामलों का शुरू में ही पता लगाने वाले एक चीनी डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर इस मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में इस महामारी को लेकर प्रारंभिक स्तर पर लीपापोती की गई और अब जांच के लिए की गई उससे पहले ही सबूत नष्ट कर दिए गए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा मामले आ चुके हैं जबकि 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के दुनिया में फैलाने का आरोप शुरू से चीन पे लगता रहा क्योंकि पहला केस वुहान में ही मिला था और इसके बाद दुनिया से ज्यादातर देशों ने इस वायरस से अपने आप पांव जमा लिए। अमेरिका समेत कई बड़े देश यही मानते हैं कि वायरस चीन ने जानबूझकर फैलाया। अमेरिका तो इसे चाइनीज वायरस कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस पर प्रारंभिक जांच को दुनिया के वैज्ञानिकों से छुपा के रखा। यहां तक कि चीन की वजह से अमेरिका ने WHO से भी सारे नाते तोड़े जबकि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग करता था। हालांकि चीन शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को नकारता रहा। इसके बावजूद चीन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। कोरोना की जानकारी उससे जुड़े सच को चीन अब तक छुपाता आया है लेकिन अब उसके ही एक डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर इस मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया। चीन के एक प्रमुख डॉक्टर ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा दावा किया। चीनी प्रोफेसर क्यूवॉक योन ने कहा है कि वो मानते हैं कि कोरोना शुरू होने पर स्थानीय अधिकारियों ने इस बीमारी के पैमाने को छुपाया। क्यूवॉक योन ने कहा है कि जब हम ह्यूमन के सुपरमार्केट में गए तो वहां देखने को कुछ नहीं था। मार्केट को पहले ही साफ कर दिया गया था इसलिए आप कह सकते हैं कि क्राइम सीन को पहले ही बदल दिया गया। इस बयान से साफ होता है कि चीन ने कोरोना वायरस बीमारी को छुपाया। अगर समय से अन्य देशों के वैज्ञानिकों से संपर्क किया जाता तो शायद आज इस बीमारी को इतने बड़े स्तर पर फैलने से रोका जा सकता था। शुरुआती दिनों में वुहान में कोरोना की जांच करने वाले डॉक्टर क्यूवॉक योन ने कहा कि सबूत मिटा दिए गए और तब क्लिनिक में जांच की रफ्तार काफी धीमी थी। चीनी डॉक्टर ने कहा कि सुपरमार्केट को चूंकि साफ कर दिया गया था हम किसी भी ऐसी चीज को पहचान नहीं सके जिससे वायरस इंसानों में फैला। मुझे भी संदेह है कि वुहान में मामले को छुपाने के लिए उन लोगों ने कुछ किया। क्यूवॉक योन ने कहा कि जिन स्थानीय अधिकारियों को जानकारी आगे भेजनी थी उन्होंने इस काम को ठीक तरीके से नहीं किया। दिसंबर 2019 के आखिर में वुहान में कोरोना के मामले सामने आए थे लेकिन चीन इन सभी आरोपों और शंका को खारिज करता रहा। चीन ने कभी नहीं माना कि उसकी तरफ से साक्ष्य छुपाए गए। चीन से निकलने वाले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वायरस मामलों में पहले स्थान पर है। यहां अब तक कोरोना से 40 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के कई राज्यों की बात करें तो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई है। न्यूयॉर्क देश में सबसे अधिक 32,608 लोगों की मौत हुई है। 5,000 से अधिक मौत वाले अन्य राज्यों में न्यू जर्सी, इलियोनिस, पेंसिल्विया, मिशिगन आदि शामिल हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।